जय किसान। प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश मौसम के बारे में अपडेट देंगे। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में जो मानसून है उसमें ब्रेक लग चुका है, लेकिन फिर भी मानसून में ब्रेक लग जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं, लेकिन लगातार बारिश मध्य प्रदेश में अभी 4-5 दिनों तक देखने को नहीं मिलेगी। जो है 28 तारीख के बाद ही मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश देखने को मिलेगी। तब तक जो छुटपुट बारिश है, कहीं पे गरज चमक के साथ थोड़ी आधे एक घंटे की बारिश हो सकती है, लेकिन लगातार बारिश नहीं होगी। लगातार बारिश आपको 28 जून के बाद ही देखने को मिलेगी। और कहीं कहीं पे हमारे जो मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं, वह सोयाबीन, मक्का, धान आदि की बोनी भी करने लगे हैं। तो ऐसे में मानसून पर ब्रेक लग जाना थोड़ा किसानों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किसान भाइयों, आप अपने विवेक अनुसार अगर आपके क्षेत्र में 100 मिलीमीटर वर्षा के करीबन वर्षा हो गई है, पानी बरस गया है, तो किसान भाइयों आप अपनी फसलों की बुवाई जारी रख सकते हैं। ज़्यादा लंबा ब्रेक मानसून में नहीं लगेगा। कहीं कहीं पर अभी भी जो है छुटपुट बारिश होती रहेगी, गरज चमक के साथ आधे एक घंटे की थोड़े समय की बारिश होती रहेगी। लेकिन लगातार बारिश जो है किसान भाइयों आपको 28 तारीख के बाद ही मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों आप इस हिसाब से अपने फसलों की बिजाई जारी रखिएगा या फिर रोक के रखेंगे, वह आप अपने विवेक अनुसार काम करिएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि अभी तक एक सप्ताह के लिए कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, इसलिए किसानों को लगातार बारिश का इंतज़ार एक सप्ताह तक करना पड़ सकता है। लेकिन छुटपुट बारिश होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार बारिश मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव तो हो गया है, लेकिन लगातार बारिश जो है एक सप्ताह के बाद ही हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है किसान भाइयों की जो इंदौर, ग्वालियर संभाग हैं, उनके कई ज़िलों में गरज चमक के साथ छुटपुट बारिश हो सकती है। किसान भाइयों, इसी प्रकार की जानकारी आपसे और आपकी सही फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।